लैंड एरियर व्हीकल्स के साथ भी काम किया है, बट उसमें इसराइल और अमेरिका बहुत आगे है जी। हम लोग जो बना पाए हैं और रुस्तम या बाकी तीन चार बनाए हैं, बट सब प्रिमिटिव है। अभी एक चीज़ इनको बता दीजिए, ये ड्रोन का स्कोप अब आप एक्सपर्ट हैं भैया, कितने को आप ट्रेनिंग कर चुके हैं? ट्रेनिंग तो हम लोग कम से कम 500-1000 की ट्रेनिंग पहले दे चुके हैं। अभी जो पटना में कर रहे हैं कौन कर रहा है? पटना में हम लोग कर रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं? एक्साइज डिपार्टमेंट का काम चल रहा है सारा, 36 जिला में दिए हैं। हम तो रेवेन्यू जनरेशन की कल बात कर ही रहे थे, अगर रेवेन्यू जनरेट हो पाता है तो ठीक है। देखिए टेक्नोलॉजी होगा कि नहीं इनसे पूछिए ना, कैसे होगा नहीं पूछ लीजिए, संतुष्टि के लिए। तो हमको नहीं बताया कुछ भी, नहीं अभी बता दीजिए। बात जब किए थे रेवेन्यू है ना, अगर सब्सिडी दे दिया गवर्नमेंट एग्रीकल्चर, जितना एग्रीकल्चर वाला अगर 600 रुपये या आप जैसे लेते हैं 1000 या कुछ लेते हैं पब्लिक से, तो 600 रुपये आपको सरकार देगी, है ना? बहुत बड़े, अच्छा 4 लाख का ना बोले, एक ठो मतलब कम से कम मिनिमम एथी वाला एग्रीकल्चर वाला इनके थ्रू, नहीं तो 5 लाख में मिलता है। तो ये 4 लाख में मिला, तो जैसे ट्रैक्टर 5 लाख 6 लाख का रखता है, तो अभी जहाँ ड्रोन जाएगा वो क्यूरियोसिटी होगी जैसे ट्रैक्टर को जा रहा था, दिन रात फुर्सत नहीं होगा, सही है ना? तो अभी एक तो किसान स्टेशन जो देवेश जी आने वाले हैं उनके साथ ड्रोन और ई रिक्शा और सब कुछ है, और उनके कर्ता धरता यही। चलो बहुत एक्सपर्ट, समझ गए।